नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। रिपोर्टर लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सोमवार को तीसरी बार हिमाचल प्रदेश के चुनावी दौरे पर रहे। उधर सुप्रीम कोर्ट ने ईडब्ल्यूएस कोटे के सही करार दिया है। इसके साथ ही तमाम बड़ी खबरों पर नजर हमारी होगी। ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी दे रहे हैं हर अपडेट। तो चलिए शुरुआत करते हैं लाइव रिपोर्टर की। देश की सबसे बड़ी अदालत यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी कि ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण दिए जाने के फैसले को हरी झंडी दे दी है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी नितिन चौधरी। देश की सबसे बड़ी अदालत और सुप्रीम कोर्ट ने आज कमजोर वर्ग के लोगों को आज आरक्षण देने की जो 10% आरक्षण देने की जो मांग थी उस पर आज हरी झंडी दिखा दी। वहीं आपको बता दें कि केंद्र सरकार से इससे पहले भी इसकी जो सुनवाई चल रही थी तो उसको देखते हुए यहाँ पर 3 जजों के बीच में आज सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण की जो बात कही गई थी कि आरक्षण दिया जाना चाहिए था कमजोर वर्ग के लोगों को, लेकिन आज आरक्षण की जो फैसला आया है उस पर जो है सहमति जताई है। वहीं केंद्र सरकार की बात की जाए तो केंद्र सरकार ने 2019 में पहले ही इस पर मोहर लगा दी थी, लेकिन अब जो है कोर्ट की तरफ से जो है फैसले आने की जो बात कही जा रही है कि कोर्ट से जो फैसला आएगा यानी कि सुप्रीम कोर्ट से जो फैसला आना था आज उस पर जो फैसला है वो अमल हो गया है। 10% वर्ग के जो गरीब लोग हैं उनको नौकरी दी जाने की जो बात थी यहाँ पर केंद्र सरकार की तरफ से कही जा रही थी कि उनको जो है नौकरी मिलेगी, लेकिन केंद्र सरकार ने आज उनको पहले भी हरी झंडी दिखा दी थी, लेकिन कोर्ट के फैसले के लिए जो है केंद्र सरकार जब तक इस की मोहर नहीं आती थी कि आखिरकार जो सरकार के द्वारा यहाँ पर मोहर लगा दी गई थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की बात की जाए तो सुप्रीम कोर्ट ने भी आज उस पर 10% आरक्षण की जो मांग की जा रही थी कमजोर वर्ग के लोगों को यहाँ पर जो है नौकरी पेशे की जो बात यहाँ पर कही जा रही है कि नौकरी पेशे में यहाँ रोजगार की बात को लेकर भी आज कोर्ट ने फैसला सुना दिया कि आखिरकार 10% जो लोग गरीब गुरबा लोग हैं जो कमजोर घरों से आते हैं तो उनको जो नौकरी दी जाएगी। इस पर जो है पूरी तरीके से अमल जस्टिस 3 जजों का जो फैसला आया था कि इस पर हरी झंडी दिखाने का फैसला दे दिया गया था, उससे पहले 2019 में सरकार के द्वारा भी इस पर जो है मोहर लगा दी गई थी, लेकिन उस फैसले को उस टाइम पर जो है रोक दिया गया था कि आखिरकार कोर्ट में इसकी सुनवाई चल रही थी। लेकिन आज कोर्ट में जब सुनवाई इसकी हुई है कि 10% आरक्षण के जो लोग हैं उनको जो है नौकरी पेशा दिया जाएगा, लेकिन कोर्ट के फैसले आने के बाद ये सभी फैसले अमल माने जा रहे हैं। वहीं साथ ही केंद्र सरकार की बात की जाए तो केंद्र सरकार भी इस पर पूरी तरीके से खुश नजर आ रही है, क्योंकि केंद्र सरकार को ने पहले भी इसकी हरी झंडी दिखाई थी, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर लोगों को काफ़ी परेशानियाँ होती थी कि गरीब गुरबा जो लोग रहते थे उनको आरक्षण नहीं मिलता था, लेकिन अब आरक्षण जो है लोगों को मिलने की जो तैयारी थी कि 10% आरक्षण यहाँ पर गरीब लोगों को दिया जाएगा उसी में केंद्र सरकार की तरफ से पूरी तरीके से इसका समर्थन किया गया। तो साथ ही इसको बता दें कि इससे पहले भी इसके जो फैसले थे वो काफ़ी सालों से चल रहे थे। 2019 में जो चीफ जस्टिस ललित ने भी इसकी जो मांग थी वो उठाई थी, लेकिन आज जो फैसला आया 3 जजों के बीच में ये फैसला आया है कि 3 जजों में से ललित जस्टिस ने कहा है कि जिस तरीके से फैसला आया इस पर पूरी तरीके से अमल किया जाएगा, लेकिन उसके बाद में जब फैसला आया तो गरीब लोगों की बात की जाए तो गरीब लोगों में काफ़ी खुशी का माहौल है, क्योंकि जिस तरीके से गरीब लोगों को यहाँ पर बेरोजगार घूमे जाते थे उनको नौकरियां नहीं मिलती थी, आरक्षण की बात की जाए आरक्षण नहीं दिया जाता था कि 10% वर्ग के लोगों को आरक्षण नहीं दिया जाएगा, लेकिन आज आरक्षण की जो बात की गई कि 10% वर्ग के गरीब लोगों को इसमें आरक्षण दिया जाएगा तो उसी को देखते हुए यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आज मोहर लगाई है। कैमरामैन निक्की के साथ मैं नितिन चौधरी, इंडिया वॉइस। और इधर उत्तर प्रदेश के भदोही में सड़क हादसे में 2 युवकों की जान चली गई। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी चंद्र बालक राय। भदोही में एक सड़क हादसा हुआ है, देर रात बता दें कि इसमें 2 युवकों की मौत भी हो गई है। बताते चले कि वाराणसी से 2 युवक अपनी बाइक से भदोही मिर्जापुर की तरफ आ रहे थे और आरआई NH-19 के पास एक खड़ी ट्रक में वो जा टकराए जिससे उनकी घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई। ये भी बताया जा रहा है कि जो युवक बाइक सवार थे उन्होंने ईयरफोन लगा रखा था अपने कानों में बाइक चलाते हुए, जिसकी वजह से ये हादसा हुआ है। बता दें कि हादसे में जो युवक जिनकी मौत हुई है वो एक उसमें से मिर्जापुर जनपद का रहने वाला है और दूसरा भदोही जनपद का। इस हादसे से लोग सहम गए थे वहाँ पर जब ये हादसा हुआ, क्योंकि उनकी दर्दनाक मौत देकर काफ़ी लोगों में चर्चा थी कि जिस तरह से यह हादसा हुआ खड़ी ट्रक में 2 बाइक सवार आके भिड़ गए और उनकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई, क्योंकि ना उनके पास हेलमेट था ना तो वो इतनी लापरवाही करके गए थे कि ईयरफोन लगा, तो काफ़ी लोग ये चर्चा कर रहे थे कि हम लोग भी हेलमेट लगा के चलेंगे, ये फ़ोन से बात करते हुए नहीं चलेंगे। तो ये चीज़ें आम हो जाती है किसी घटना के बाद, तो ऐसी घटनाओं से लोगों को सबक लेना होगा, क्योंकि जब तक हम सुधरेंगे नहीं ऐसे काम करते रहेंगे, क्योंकि आए दिन ऐसे हादसे हमें सड़कों पर देखने को मिलते रहते हैं। भदोही से सहयोगी इंद्रेश के साथ चंद्र बालक राय, इंडिया वॉइस। वहीं यूपी के बिजनौर में तेज रफ्तार बाइक को टक्कर मार दी। अज्ञात वाहन ने टक्कर मारी जिसमें 2 युवक की मौत हो गई। इस खबर पर जानकारी दे रहे हमारे सहयोगी जहीर अहमद।
बिजनौर में आज उस वक्त एक दर्दनाक हादसा हो गया जब एक तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने बाइक को टक्कर मार दी। सड़क हादसे में बाइक सवार दो युवकों की मौत हो गई। दोनों युवक की मौत से परिवार में कोहराम मच गया और परिजनों का रो रोकर बुरा हाल है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और अज्ञात वाहन के खिलाफ केस दर्ज कर उसके तलाश में जुट गई। बताया जा रहा है कि मृतकों में एक युवक की बहन को छोड़ने के लिए वो अपने दोस्त के साथ बिजनौर आया हुआ था और देर शाम बाइक से वापस अपने गाँव बल्ला शेरपुर नेहटौर थाना क्षेत्र में जा रहा था। जैसे ही बाइक नेहटौर रोड पर झालू तिराहे से आगे पहुंची तभी किसी अज्ञात वाहन ने वो टक्कर मार दी। फिलहाल पुलिस अज्ञात वाहन की तलाश में जुट गई है और केस दर्ज कर मामले की जांच की बात कर रही है। बिजनौर से जहीर अहमद, इंडिया वॉइस। माथापुर की कर लेते हैं, जहां पर जिले के गढ़मुक्तेश्वर में गंगा किनारे कार्तिक मेला अब शुरू हो गया है। वहीं इस मेले में जुआरियों का जमावड़ा भी बढ़ता जा रहा है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी शक्ति ठाकुर। हापुड़ के गढ़गंगा में लगे कार्तिक मेले में लगा है जुआरियों का जमावड़ा। जी हां, आपको बता दें, जहां एक और श्रद्धालु गंगा स्नान करने के लिए गढ़ कार्तिक मेले में आ रहे हैं, तो वहीं जुआरी भी इसे अपने लिए महफूज स्थान मान रहे हैं। एक टेंट के अंदर की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसमें जुआरी खुलेआम जुआ खेलते हुए नजर आ रहे हैं। ताश की गड्डियों के साथ साथ जुआरी वहाँ पैसे लगाते हुए नजर आ रहे हैं। जुआरियों ने कार्तिक गंगा मेले को जुए का अड्डा बना दिया है। वहीं पुलिस इन जुआरियों की अब तलाश में लगी हुई है। लेकिन बात यह है कि आखिर जब इतनी पुलिस बल वहाँ तैनात है, तो आखिर जुआरी कैसे गढ़कार्तिक मेले में जुआ खेलते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कब तक पुलिस जुआरियों को पकड़ पाती है और कोई ठोस कार्रवाई करती है। कैमरामैन संजय कश्यप के साथ इंडिया वॉइस के लिए हापुड़ से शक्ति ठाकुर। उत्तराखंड में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने जिला अध्यक्षों के नाम का ऐलान कर दिया है। किसको क्या जिम्मेदारी दी गई है, बता रहे हमारे सहयोगी सौरभ भाटिया। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने अपनी नई टीम घोषित कर दी है। इस बार 14 नहीं बल्कि 19 जिले बीजेपी संगठनात्मक रूप से बना रही है, जिसमें जो है 19 के 19 अध्यक्ष बाकायदा महेंद्र भट्ट के द्वारा उनकी सूची जारी कर दी गई है। बताया जा रहा था कि तमाम वो अध्यक्ष इस बार जो है रिपीट किए जा सकते हैं, लेकिन उन सब अटकलों पर महेंद्र भट्ट ने विराम लगाने का काम किया। एक भी अध्यक्ष इस बार रिपीट नहीं किया गया, जिससे यह कहा जा सके कि भाजपा ने उन नेताओं को दोबारा जो है मौका दिया है कि वो जिले की कमान संभाल सके। लगातार जो है भाजपा के नेता पार्टी को मजबूत करने के साथ ही लगातार लोगों के बीच भी जा रहे हैं, जिससे पार्टी संगठन को मजबूत किया जा सके, क्योंकि इसके बाद निकाय चुनाव, फिर जो है लोकसभा और फिर पंचायत चुनाव जो है उत्तराखंड में होने। इस दृष्टिकोण से महेंद्र भट्ट की अग्नि परीक्षा भी होगी, क्योंकि अब जब जो है निकाय चुनाव होगा तो जाहिर सी बात है अगर बेहतर टीम होगी तो उसका लाभ जो है बीजेपी के नेताओं को मिलेगा। बीजेपी जो है उन जगहों पर काबिज हो सकेगी जिसकी जो उम्मीद की भी जा रही है। लगातार जो है महेंद्र भट्ट समीक्षा भी कर रहे हैं और उन तमाम पदाधिकारियों से अपील भी कर रहे हैं कि संगठन को मजबूत करने के लिए पुरजोर जो है मेहनत करें, जिससे जो है ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने साथ जोड़ा जा सके। कैमरामैन हर्ष सुनियाल के साथ मैं सौरभ भाटिया, इंडिया वॉइस देहरादून। मैनपुर में महामंडलेश्वर शारदा नंद जी महाराज ब्रह्मलीन हो गए। एकर सानंद आश्रम के महंत शारदा नंद जी महाराज ने अंतिम सांस ली है। गुड़गांव के मेदांता अस्पताल में वो भर्ती थे, जहां उनका इलाज चल रहा था। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी मुकेश। मैनपुरी के महा सरस्वती महाविद्यालय के महामंडलेश्वर शारदानंद जी महाराज का निधन हो गया है। निधन होने के बाद उनके पार्थिव शरीर को मेदांता से मैनपुरी लाया गया है और उनके अंतिम दर्शन के लिए उनके लिए दर्शन करने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ भी आश्रम पर देखने को मिल रही है। हम आपको बताते चलें, महाराज गुरु पूर्णिमा के आए थे, उस समय से उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था, तब से लगातार लोग उनसे मिलने की लालसा बनाए रखी थी, लेकिन देर रात उनको मेदांता में निधन होने के बाद श्रद्धालुओं में शोक की लहर दौड़ गई है। श्रद्धालु उनके अंतिम दर्शन के लिए सुबह 6 बजे से ही आश्रम पहुंचे और उनकी सभी शहरवासियों को दर्शन कराने के लिए संस्था और उनके ट्रस्ट द्वारा सब यात्रा निकाल कर हर श्रद्धालु को अंतिम दर्शन कराने की बात भी कही गई। तो इसकी तैयारी सरस्वती महाविद्यालय से शुरू होकर शहर के प्रमुख मार्गों का भ्रमण करती हुई शव यात्रा वापस 4 बजे उनकी समाधि दी जाएगी, जिस पर कई जिलाधिकारी अविनाश कृष्ण सिंह, पुलिस अधीक्षक कमलेश दीक्षित समेत भारतीय जनता पार्टी के समस्त पदाधिकारी और मिनिस्टर्स आने की संभावना बताई गई है। तो वहीं शहर के लोगों में उनके दिव्यांगत होने के बाद शोक की लहर दौड़ गई है और नम आंखों से उनको विदाई भी दी जा रही है। मैनपुरी से इंडिया वॉइस के लिए मुकेश कुमार।
बात मेरठ की कर लेते हैं। कलयुगी बेटी ने प्रेमी संग के मिलकर अपने ही पिता को मौत की घाट उतार डाला। बताया जा रहा है कि हत्या करने वाली मृतक की सौतेली बेटी थी। इसी खबर पर ज्यादा अपडेट्स दे रहे हैं हमारे सहयोगी अमित सैनी। मेरठ में रिश्तों का संसार करने वाली एक घटना सामने आई है, जहां कलयुगी बेटी ने अपने पिता की बेरहमी से हत्या कर दी है। घटना मेरठ के थाना बैसमा क्षेत्र के रावती गांव का है, जहां पर 57 नाम का किसान युवक वहां रहता था। उसकी बेटी, जो रिश्ते में सौतेली बेटी लगती थी, उसने अपने प्रेमी के संग मिलकर उसकी हत्या कर दी और पुलिस को गुमराह करने के लिए शव खेत में फेंक दिया और थाने में जाके गुमशुदगी लिखवा दी। जब पुलिस ने लड़की से गहन से और सख्ती कर पूछताछ करी तो उसने अपने प्रेमी संग अपने पिता की हत्या करने का जुर्म कबूल कर लिया। वही इस मामले में मृतक के परिजनों ने दोनों के खिलाफ तहरीर देकर पुलिस कार्रवाई मांगी, जहां पुलिस ने दोनों आरोपी गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। कैमरा पर्सन विशाल के साथ अमित सैनी, मेरठ। उत्तराखंड गौरव सम्मान के लिए 5 नए नामों की घोषणा कर दी गई है और इसी खबर पर जानकारी दे रहे हमारे सहयोगी अभय कैतुरा। उत्तराखंड सरकार 9 नवंबर को राज्य स्थापना दिवस के दिन उत्तराखंड गौरव सम्मान देने जा रही है। उत्तराखंड गौरव सम्मान में इस बार 2 वर्षों के लिए सम्मान इस बार एक साथ यहाँ पर दिया जाएगा। वर्ष 2021 और वर्ष 2022 के लिए अलग अलग जो नामित 5 व्यक्ति हैं उनको ये उत्तराखंड गौरव सम्मान यहाँ पर देने का काम किया जाएगा। वर्ष 2021 के लिए उत्तराखंड के जो प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री थे पंडित नरेंद्र तिवारी, उनको यहाँ पर गौरव सम्मान देने का काम किया जाएगा। उनके साथ नरेंद्र सिंह नेगी, जो लोक गायक हैं, उत्तराखंड का गौरव है, उनको यहाँ पर उत्तराखंड गौरव सम्मान दिया जाएगा। इसके अलावा छिंद्रीपाल, जो पर्वतारोही रही हैं, उनको यहाँ पर उत्तराखंड गौरव सम्मान देने का काम किया जाएगा। रस्किन बॉन्ड, जो साहित्य क्षेत्र में अमिट ही पहचान बना चुके हैं, उत्तराखंड गौरव सम्मान देने का काम उनको यहाँ पर किया जाएगा। वर्ष 2022 के लिए जो NSA के जो प्रमुख हैं अजीत डोभाल, उनको यहाँ पर चुना गया है। इसके अलावा गिरदा, जो कह सकते हैं कि उत्तराखंड के लिए बड़ा नाम यहाँ पर है, उनको यहाँ पर दिया जाएगा। वीरेन डंगवाल, स्वर्गीय वीरेन डंगवाल, उनको यहाँ पर दिया जाएगा। और ये कहा जा सकता है कि उत्तराखंड सरकार लगातार ऐसे व्यक्तियों को सम्मान देने का काम यहाँ पर कर रही है जो उत्तराखंड से जुड़े हुए हैं, उत्तराखंड के क्षेत्र के लिए बड़ी अमिट पहचान बना चुके हैं, यहाँ के लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत तो बन चुके हैं। उत्तराखंड गौरव सम्मान राज्य स्थापना दिवस के दिन दिया जाएगा, ताकि उत्तराखंड के लोग इस सम्मान को समझ सकें और इन लोगों से प्रेरणा ले सकें और उत्तराखंड के विकास के लिए नए आयाम स्थापित कर सकें। कैमरामैन हसनुल्लाह साथ, अभय कैंतुरा, इंडिया वॉइस, देहरादून। उधर लखनऊ में UPSTF ने छत्रपति शाहूजी महाराज कानपुर विश्वविद्यालय के कुलपति विनय पाठक से जुड़े कमीशन खोरी के मामले में अजय जैन को गिरफ्तार किया है। इस खबर पर अपडेट्स दे रहे हैं हमारे सहयोगी चंदन वर्मा। UPSTF की एक बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है। कानपुर के विश्वविद्यालय के प्रोफेसर विनय पाठक के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था, तो वही उनके संबंधियों के खिलाफ भी इंदिरा नगर कोतवाली में मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसमें मामले की जांच STF को दे दी गई थी। विनय पाठक के साथ जो रकम को मैनेज करने वाला अजय जैन, उसको STF ने कल अपने दफ्तर पूछताछ के लिए बुलाया था, तो वही पूछताछ के दौरान ही उसे गिरफ्तार कर लिया गया था। हालांकि पूछताछ में अजय जैन ने प्रोफेसर विनय पाठक के कमीशन के रुपयों को फर्जी बिलों से मैनेज करने की बात भी कबूली। वहीं अजय जैन की फर्म के खाते में ही गिरफ्तार अजय मिश्रा ने विनय पाठक के कमीशन के रकम को ट्रांसफ़र किया था। हालांकि विनय पाठक के करीबियों पर जो है लगातार STF शिकंजा कस रही है। अब देखने वाली बड़ी बात यह होगी इस कड़ी में कौन कौन लोग जुड़े हुए हैं, STF अभी उन तक भी पहुंचेगी। कैमरा पर्सन सुरेश चंद्रा के साथ चंदन वर्मा, इंडिया वॉइस, लखनऊ। झारखंड की UPA सरकार के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने हल्ला बोल शुरू कर दिया है। प्रखंड कार्यालयों में BJP ने धरना प्रदर्शन किया। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हमारे सहयोगी। झारखंड की प्रमुख विपक्षी पार्टी BJP ने अब राज्य की हेमंत सरकार पर हमला बोलना शुरू कर दिया है और पार्टी की तरफ से जिस तरीके से लगातार अब कार्यक्रमों की घोषणा की गई है, उसके तहत प्रखंड स्तर पर अब कहीं न कहीं धरना प्रदर्शन देकर यहां की योजनाओं को लेकर चर्चा की जा रही है और कोशिश की जा रही है कि जिस तरीके से सरकार ने चुनाव के समय अपने वादे किए थे उसे पूरा नहीं कर पाई है, इसके खिलाफ अब जनता को जागरूक किया जाए। BJP के प्रमुख नेताओं का कहना है कि साफ तौर पर जो वादे किए थे जनता के सामने हेमंत सरकार ने, अब वो उसे
पूरा करने का वक्त आ गया है, लेकिन हेमंत सरकार कहीं ना कहीं अभी भी उन वादों को पूरा नहीं कर पा रही है। ऐसे में बीजेपी की मंशा है कि किसी भी स्थिति में जो जनहित के कार्य हैं उसको तेजी से आगे बढ़ाया जाए और कोशिश की जाए कि राज्य सरकार को जागरूक कर तमाम लोगों को फायदा पहुँचाया जाए। ऐसे में बीजेपी की पहल की है कि प्रखंड स्तर पर सबसे पहले आंदोलन किया जाएगा, इसके बाद जिला मुख्यालयों पर आंदोलन होगा और तब जाकर राज्य मुख्यालय पर एक बड़ा आंदोलन करके राज्य के सरकार को जगाने की कोशिश की जाएगी। सहयोगी पिंटू के साथ राकेश कुमार, इंडिया वॉइस रांची। इधर मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले में सोमवार को सुनवाई नहीं हुई। ट्रांसफर एप्लीकेशन पर डीजे कोर्ट में सुनवाई होनी थी। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हमारे सहयोगी मनोहर पटेल। श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद 13.37 एकड़ जमीनी विवाद को लेकर आज कोर्ट में सुनवाई नहीं हो सकी। बता दें कि पहले महेंद्र प्रताप ने डीजे कोर्ट में एप्लीकेशन लगाई थी और कोर्ट के सामने यह पक्ष रखा था कि कोर्ट में प्रॉपर रूप से सुनवाई नहीं हो पा रही है, जिसे लेकर महेंद्र प्रताप की ओर से डीजे कोर्ट में डिस्ट्रिक्ट जज के लिए ट्रांसफ़र के लिए एप्लीकेशन दी गई थी, लेकिन आज सुनवाई नहीं हो सकी है, जिसे लेकर अग्रिम सुनवाई अब 15 नवंबर को होनी है। लगातार सभी पक्षकार अपने अपने कोर्ट के सामने पक्ष रख रहे हैं और इस मामले को लेकर निरंतर कोर्ट भी अपनी सुनवाई कर रखा है, लेकिन हिंदूवादी पक्षकार ने ऑब्जेक्शन लगाया है और एक एप्लीकेशन लगाई थी जिसमें कोर्ट से यह मांग की थी कि इस मामले को लेकर प्रॉपर निचली कोर्ट में सुनवाई नहीं हो रही है, जिसे लेकर आज महेंद्र प्रताप की याचिका पर सुनवाई होनी थी, लेकिन अब अग्रिम सुनवाई 15 नवंबर को होनी है और यह तो सुनवाई के बाद ही पता चलेगा कि इसकी सुनवाई डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ होनी है या नहीं। मथुरा से इंडिया वॉइस के लिए मनोहर पटेल। इधर सिद्धार्थ नगर में डिप्टी सीएम के दौरे के बाद भी अस्पताल में लगातार हालात खराब हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी राकेश यादव। सिद्धार्थनगर जिले में अभी हाल ही में डिप्टी सीएम बृजेश पाठक ने दौरा किया था, लेकिन यहां के जो अधिकारी कर्मचारी हैं अभी हाल ही में जो उनका दौरा हुआ था, लेकिन फिर भी ध्यान नहीं दे रहे हैं अस्पतालों पे। अस्पतालों में जब उनका दौरा हुआ तो वो लोग आनन फानन में कार्रवाई तो किए और अस्पतालों की देख रेख में सुविधाओं का जायजा भी लिया, लेकिन वहीं 49 अस्पताल जो ज़िले में चल रहे हैं वो रजिस्ट्रेशन है, लेकिन अवैध तरीके से अस्पतालें जिला सिद्धार्थनगर में चल रही हैं। लेकिन बृजेश पाठक डिप्टी सीएम भी हैं और स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, उनके आने के बावजूद भी यहाँ के अधिकारी कर्मचारी इतने इनका रवैया ठीक नहीं है। जो कि अभी हाल ही में एक महिला का ऑपरेशन किया जो कि उसकी मौत हो गई थी, उस मौत के बाद भी प्रशासन नहीं चेता और अधिकारियों की इस तरह लापरवाही रही कि आए दिन जो है गैर रजिस्ट्रेशन की अस्पतालें चल रही हैं, फिर भी यहाँ के अधिकारी कर्मचारी ध्यान नहीं दे रहे हैं। सिद्धार्थनगर से राकेश यादव, इंडिया वॉइस। ग्रुप ए में टॉप पर रहने वाली टीम इंडिया का 10 नवंबर को इंग्लैंड के सेमीफाइनल में मुकाबला होना है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हमारे संवाददाता राहुल शर्मा। टी20 वर्ल्ड कप में 15 साल पहले विश्व विजेता रही टीम इंडिया इस बार सेमीफाइनल में पहुंच गई है। ग्रुप ए में टीम इंडिया टॉप पर है, वहीं पाकिस्तान ग्रुप बी की तरफ से सेमीफाइनल में प्रवेश कर चुकी है। 10 तारीख को टीम इंडिया का मुकाबला सेमीफाइनल में इंग्लैंड के साथ होगा। देखना होगा कि 15 साल का सूखा क्या टीम इंडिया सेमीफाइनल जीतने के बाद फाइनल में पहुंचकर पूरा कर पाएगी या नहीं। कैमरा पर्सन निक्की के साथ राहुल शर्मा, इंडिया वॉइस। उत्तर प्रदेश में अपराधियों की करतूतों का हिसाब धड़ल्ले से चल रहा है। माफियाओं पर न सिर्फ कार्रवाई हो रही है, हाल ही में आए आंकड़ों से यह साफ हो गया है कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के आने के बाद माफियाओं और अपराधियों को सजा दिलाने में काफी तेजी आई है। इसी खबर पर जानकारी दे रहे हमारे संवाददाता शुएब रिजवी। सरकार लगातार अपराधियों पर शिकंजा कस रही है और इसी कड़ी में न सिर्फ ग्राउंड पर बल्कि कोर्ट के जरिए भी जो अपराधी हैं उनको सजा दिलाने में कोई कोर कसर नहीं रख रही है। अभी पिछले दिनों 28 मामलों में कोर्ट के अंदर जो दोषी थे उनको सजा दिला करके कहीं ना कहीं एक कड़ा संदेश देने की कोशिश की है। पिछले कुछ दिनों में जिस तरह से लगातार ग्राउंड पर कार्रवाई हो रही है, अब कोर्ट में भी कहीं ना कहीं योगी सरकार
गंभीर है और एक तरह से कह सकते मजबूत पैरवी के जरिए ऐसे दोषियों को जिनको कोर्ट से सजा होनी थी उन्हें सजा दिला रही है। और इसी कड़ी में प्रयागराज के ही सिर्फ 28 मामलों में कोर्ट ने सजा दिलवाकर योगी सरकार ने ये संदेश देने की कोशिश की है कि न सिर्फ ग्राउंड पर बल्कि अदालत के जरिए भी ऐसे अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। पिछले कुछ दिनों में लगातार जिस तरह से यहाँ पर शिक्षा माफिया, गौ तस्कर और भू माफियाओं पर कार्रवाई की गई है, उन्हें जेल भेजा गया है। अब इस मामले के बाद ये उम्मीद जताई जाने लगी है कि जिस तरह से 28 मामलों में सजा दिलाई है उसी तरह से इन मामलों में भी जल्द से जल्द इन अपराधियों को भी कोर्ट में सजा दिलाई जाएगी। स्वैपिक प्रयागराज। उधर बुलंदशहर में पुलिस और लुटेरों के बीच मुठभेड़ हुई है जिसमें पुलिस की गोली से लुटेरा घायल हो गया। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता वरुण शर्मा। बुलंदशहर में बदमाश और पुलिस के बीच एक बार फिर मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ के दौरान लुटेरे एक आरोपी को गोली लगी है जिसको पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आपको बता दूं बुलंदशहर के थाना औरंगाबाद जहांगीराबाद रोड पर आज लूट की योजना बना रहे दो लुटेरों से पुलिस की मुठभेड़ हो गई। एक मुठभेड़ के दौरान एक आरोपी को गोली लगने के बाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया जबकि दूसरा आरोपी मौके से अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया। आनन फानन में पुलिस ने घायल आरोपी को जिला अस्पताल में भर्ती कराया है और पुलिस मामले की जांच में जुटी है। तो वहीं इस मामले में थाना शिकारपुर, सिकंदराबाद, छतारी, पासू अलग अलग जनपद में पकड़े गए आरोपी रिजवान पर दो दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज हैं। सीओ अनूप सेन ने जानकारी देते हुए बताया है कि दो आरोपियों के साथ मुठभेड़ हुई थी जिसमें एक गिरफ्तार किया गया है, एक फरार हो गया है। पकड़े गए आरोपी पर दो दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज हैं। वरुण शर्मा, इंडिया वॉइस, बुलंदशहर। ईडब्ल्यूएस पर आए फैसले पर अब देश भर में सियासत जारी है तो वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता योगेश पांडे। ईडब्ल्यूएस मुद्दे को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई और सुनवाई के दौरान एक अहम फैसला आया। 3-2 के अनुपात से आज ये फैसला सुनाया गया कि दरअसल सामान्य वर्ग के लोग जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं उनको इसका लाभ मिलना ही चाहिए। तो वहीं अब इस मुद्दे पर तरह तरह की प्रतिक्रियाएं भी सामने आने लगी हैं। राजनीतिक दलों की तरफ से प्रतिक्रियाएं सामने आ ही रही हैं लेकिन राजनीति को अच्छी तरह समझने वाले लोगों की तरफ से, युवाओं की तरफ से भी उनकी अलग अपनी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। बिहार का शिक्षा मंत्री की तरफ से साफ तौर पर कहा गया है कि दरअसल नीतीश कुमार ने इसको पहले से ही सपोर्ट किया था लेकिन वहीं अब सुशील मोदी का साफ तौर पर कहना है कि दरअसल आरजेडी और जेडीयू की तरफ से इस मुद्दे का विरोध सदन के अंदर किया गया था। तो ऐसे में अब आरजेडी और जेडीयू के लोग कैसे लोगों के बीच जाएंगे और वोट की वो अपील करेंगे अपने पक्ष में। तो वहीं दूसरी तरफ राजनीति को समझने वाले लोगों का साफ तौर पर कहना है कि दरअसल ये 10% आरक्षण को लेकर के सरकार आने वाले समय में या राजनीतिक दलों की तरफ से जो भी सरकारें होंगी केंद्र में उनकी तरफ से एक और पहल की जा सकती है अपने वोट बैंक के फायदे के लिए। इस 10% आरक्षण को और भी आने वाले समय में बढ़ाया जा सकता है। दूसरी तरफ यह भी बात कही जा रही है कि क्या वास्तव में 10% आरक्षण के बाद से क्या 50% आरक्षण की जो लकीर थी वो लकीर टूटने का काम हो रही है। अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। एक तरफ लोगों का साफ तौर पर कहना है कि दरअसल जाति और धर्म मजहब के नाम पर आरक्षण नहीं मिलना चाहिए बल्कि आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को ही आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए। तो ऐसे में यदि सामान्य वर्ग के लोगों को शैक्षिक संस्थानों में या फिर नौकरी में, रोजगार में उनको 10% आरक्षण मिलता है तो आखिर गलत क्या है? गरीब गरीब होता है, जाति धर्म के चश्मे से इसको नहीं देखना चाहिए। जाति धर्म के चश्मे से आर्थिक रूप से आरक्षण देना चाहिए ना कि जाति धर्म के रूप से। वही लगातार ये भी बात एक सामने आ रही है कि दरअसल संविधान के मूल संविधान में 2019 के पहले ऐसा कोई प्रावधान नहीं था कि आर्थिक रूप से सामान्य वर्ग के लोगों का 10% आरक्षण दिया जाना चाहिए। ऐसे में आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह फैसला कितना जायज है अब आने वाला समय यह बताएगा कि किस राजनीतिक दल के लिए यह कितना वोट बैंक के रूप में काम करता नजर आएगा यह मुद्दा। और दूसरी तरफ ये बात अगर कहें कि 10% आरक्षण जो आज मिला है वो सामान्य वर्ग के लोगों में कहीं ना कहीं बेहद खुशी की नजर है और जो बेहद आर्थिक रूप से कमजोर लोग हैं उनमें और भी ज्यादा खुशी की लहर नजर आ रही है। और इसी के साथ रिपोर्टर लाइव में इतना ही, खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए इंडिया वॉइस।